भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज चूरू के दौरे पर है। उन्होंने सुजानगढ़ सहित चार विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी लिया। इस दौरान डॉक्टर पूनिया ने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि हाल ही में लाए गए 3 कृषि कानून किसानों के हित में हैं और कुछ लोगों के द्वारा राजनीति के चलते इन पर भ्रम फैलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने चारों उपचुनाव के लिए जमीनी तौर की अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बहुत पहले से पार्टी के क्षेत्रों के लिए प्रभारी, समन्वयक और अलग अलग नीचे बूथ तक की रचना का काम पार्टी ने पूरा कर लिया है। 7 मोर्चे और 7 ही मोर्चों का सम्मेलन चारों स्थानों पर अच्छे तरीके से संपन्न हो गया है। अब चुनाव की तारीखों का इंतजार है। हम लोगों ने उम्मीदवारों के तौर पर भी पार्टी की तरफ से दिल्ली और प्रदेश की इकाई ने भी अपने सर्वे कराए हैं और पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने यहाँ के बूथ से लेके ऊपर तक के सब कार्यकर्ताओं से रायशुमारी भी की है। तो मुझे लगता है कि खाली चुनाव की तारीखों का इंतजार है, तारीख जो ही तय होंगी तो इस काम में और ज़्यादा तेजी आएगी।